नतीजों के बाद सही दोनों तरफ हलचल है। एक तरफ जहां एनडीए पूर्ण बहुमत में है और सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बयानों का दौर जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई और ऐसे में गठबंधन के साथियों का साथ बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दोनों खेमों से दिन भर का अपडेट बता देते हैं। इस मंत्र की जीत है। 140 करोड़ भारतीयों की जीत। देश की जनता का जनाधार एक बार फिर एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत दे चुका है। 2014 में जिस मुकाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे, 2024 में भी वहीं खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक न पहुंच पाई हो, लेकिन बहुमत उसके साथ है, क्योंकि एनडीए के पास न सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मोदी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो शोर विपक्ष में सुनाई दे रहा है, जिस तस्वीर की चर्चा हो रही है, वो ये कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। अब एनडीए की बैठक के बाद इसकी तस्वीर भी साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार ने मोदी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को समर्थन दे दिया है। 15 छोटे बड़े दल निर्दलियों का समर्थन बीजेपी को मिल चुका है। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। साथ ही जिस चेहरे पर अब तक सबसे बड़ा सस्पेंस बना था, अब वही नीतीश कुमार मोदी के साथ हैं। How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. दस सालों तक सत्ता के शिखर पर टिके रहना, 10 साल बाद चुनाव में अड़े रहना और उसके बाद जीत की ऐसी तस्वीर तैयार कर देना कि विपक्ष जीतता तो दिखे लेकिन सत्ता से दूर रहे, ये मोदी ही कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तभी तो पिछले 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन विपक्ष इसलिए खुश है क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। आंकड़ों में बहुमत से काफी दूर रहने के बावजूद इंडिया गठबंधन की सत्ता पर काबिज होने की कोशिशें शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। दुर्ग से मिली बड़ी जीत के बाद विजय बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने सबक सिखाया है, डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश को विकास की दिशा में और आगे बढ़ाएगी। दूसरी बार जीत कर दिल्ली पहुंच रहे हैं विजय बघेल, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, दूसरी बार संसद पहुंच रहे, बड़ी जीत आपको मिली है, दोगुनी खुशी, डबल इंजन की सरकार और आपकी जीत? देखिए, खुशी का अवसर है। हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों ने जो मेहनत की है, जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है, उसका प्रतिफल है कि और अधिक मतों से जीतकर इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पे परचम हासिल की। पूरी देश की नजर दुर्ग लोकसभा पर थी, एक तो आप लड़ रहे थे, दूसरा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र था और सबसे ज्यादा जो है प्रत्याशी वहां से थे। आप जीते, बाकी सारे हार गए। देखिए, ये तो जनता जनार्दन जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। 5 साल जो मैंने लोगों के साथ एक प्रेम का संबंध, दिल का संबंध, एक पारिवारिक संबंध जो बनाया, आज उसी का प्रतिफल है कि लोगों ने फिर से एक बार मुझ पर विश्वास किया। विजय बघेल पर लोगों का भरोसा काफ़ी है, फोकस अब किस पर रहेगा सर आपका? डबल इंजन की सरकार है, पिछली बार तो विसंगति थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब बहुत कुछ करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार के साथ मोदी जी की सरकार का जो तालमेल है उसकी मध्यस्थता रूप में हम लोग काम करते हुए अपने क्षेत्र को, इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। अब वो उनका चिंतन करने का विषय है, वो तो बिखर गए हैं, अभी कह रहे थे कि सारी सूरमाओं को लड़ाए थे, सारे सूरमा लड़े थे ना इधर उधर, सबको चूरमा बना के रख दी जनता ने आके, और सब कार्यकर्ता ने चूरमा बना के रख दी। ये थे विजय बघेल, जिन्होंने कहा कि विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे, वहीं जो है कांग्रेस पर निशाना साधा है, खुद की सीट भी बचा नहीं पाए, छत्तीसगढ़ में जनता ने फिर से उन्हें नकार दिया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।